तो डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने अभी रिसेंट में फिर से एक माइंड ब्लोइंग दिमाग खराब करने वाली मूवी रिलीज कर दी जिसका नेम है टेनेट। और मुझे फाइनली ये मूवी समझ में आ गई, थैंक गॉड। जैसा आपको पता ही होगा ये मूवी साईफाई एंड थ्रिलर की कैटेगरी में आती है और इस मूवी को फर्स्ट टाइम देखने के बाद सबका यही रिएक्शन होता है, ये क्या हुआ, लेट्स वॉच इट अगेन। बट मैं आपको पूरी मूवी प्लॉट बाय प्लॉट एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आखिर क्या हो रहा था मूवी में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो सबसे पहले मैं वो चीजें बता दूं जो आपके लिए जानना जरूरी है जिससे आप और आसानी से स्टोरी समझ जाओगे। सो सबसे पहले बात आती है टेनेट कि एग्जैक्टली ये टेनेट है क्या, इसका मतलब क्या है। सो मूवी में इसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाया गया है। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है जिसका मेन मिशन होता है दुनिया को बचाना एक वॉर को रोक कर, जिस वॉर में फ्यूचर ने पास्ट में अटैक कर दिया होता है और पास्ट हार रहा होता है। फ्यूचर का पास्ट बोले तो अपना प्रेजेंट। सो टेनेट ऑर्गेनाइजेशन का यही मोटो होता है कि इस वॉर को कैसे भी करके रोकना। और अब क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों फ्यूचर पास्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो इस बात को मूवी में डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट इतना बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि फ्यूचर में क्लाइमेट की वजह से इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब कोई जी नहीं पा रहा होता, तो उनके पास एक ही रास्ता होता है सर्वाइव करने का कि हमारे फ्यूचर यानी उनके प्रेजेंट को वो रिवर्स कर दें ताकि वो फ्यूचर के बजाय ना बढ़ के पास्ट की तरफ बढ़ने लगे। सो वो इस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इस चीज से फ्यूचर वालों का पास्ट यानी हमारा प्रेजेंट भी पास्ट में जाने लगेगा, एक तरीके से हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर फ्यूचर वाले लोग पास्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और यू कैन से रिप्लेस कर देंगे, सो वो खुद भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो इसके लिए दो तरह की पैराडॉक्स बताई गई है मूवी में। एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, इसका मतलब लेट सपोज कि अगर आप टाइम में पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दोगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आप एक तरीके से वैनिश हो जाओगे, क्योंकि जब आपके ग्रैंडफादर नहीं होंगे सो आपके फादर नहीं होंगे, सो इस वजह से आप भी दुनिया में नहीं आ पाओगे। लेकिन इस मूवी में इस पैराडॉक्स की थ्योरी नहीं लगती, इसमें ऑन्टोलॉजिकल पैराडॉक्स का यूज किया है, मतलब कि आप पास्ट में जाके कुछ भी कर सकते हो फ्यूचर की बिना चिंता किए, फ्यूचर में उसका कोई लेना देना नहीं। और पास्ट को आप इसलिए चेंज कर पा रहे हो क्योंकि वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। इन शॉर्ट ये क्लोज लूप जैसा है, जो पास्ट में हो चुका है वो हो चुका है, मतलब आप पास्ट में जाके जो करने जा रहे हो वो ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा नहीं होगा कि पास्ट को चेंज करने से कोई और अल्टरनेट रियलिटी या कोई पैरेलल वर्ल्ड खुल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए एवेंजर्स एंड गेम एंड हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था इफ यू रिमेम्बर। खैर अभी टाइम ट्रेवल वाला टॉपिक पे इतना जोर मत डालो, मूवी में आगे स्टोरी के साथ सब समझ आ जाएगा। और मूवी रिलीज के बाद सैटर स्क्वायर का नाम बार बार उछल के आ रहा था, तो ये क्या है। तो सैटर स्क्वायर एक फेमस पैलेंड्रोमिक स्क्वायर है जिसको आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां से भी पढ़ोगे उसमें सेम ही वर्ड्स निकल के आएंगे। सो टेनेट मूवी में इस स्क्वायर का पूरा रेफरेंस लिया गया है। इस स्क्वायर में 5 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट सेटर, तो ये मूवी के मेन विलन का नाम है। सेकंड एरिपो, तो ये उस पर्सन का नेम है जिसने फेक पेंटिंग बेची है सेटर की वाइफ को। थर्ड टेनेट, जो ये मूवी का ही नेम है। एंड फोर्थ ओपेरा, ये वही जगह है जहाँ से मूवी स्टार्ट होगी एंड एंड भी होगी। एंड लास्ट रोटस, ये सेटर की कंपनी का नेम होता है। सो अब बात करते हैं मूवी के प्लॉट की एकदम स्टार्ट से। मूवी के स्टार्ट में एक कैरेक्टर दिखाते हैं जो कि CIA एजेंट होता है। इसका मूवी में नेम लिटरली प्रोटैगनिस्ट रखा गया है, सो मैं भी इसको यही बुलाऊंगा। ये एक मिशन पे होता है, ये कंपोनेंट प्लूटोनियम 241 की तलाश में होता है एक ओपेरा प्लेस में। ये लोग आते हैं बट यहाँ रशियंस बैड गाय एक टेरर अटैक कर देते हैं। इनको भी वही कंपोनेंट चाहिए होता है और ये हर जगह बॉम्ब्स लगा देते हैं पूरी जगह को उड़ाने के लिए। और प्रोटैगनिस्ट बॉम्ब कलेक्ट करने लगता है ताकि लोगों को बचा सके। और यहाँ गोलीबाजी के बीच में एक जगह कोई मिस्टीरियस मैन जिसके बैग में एक रेड स्ट्रिंग लगी होती है प्रोटैगनिस्ट की जान बचा लेता है एक यूनिक टाइप की बुलेट का यूज करके जो कि इन्वर्टेड होती है। इसको अभी आगे कायदे से एक्सप्लेन करा जाएगा। और इस मिस्टीरियस मैन के बारे में मूवी के एकदम लास्ट में पता चलेगा और प्रोटैगनिस्ट को वो कंपोनेंट भी मिल जाता है और इस सबको सेफ यहाँ से निकलवा देता है। बट इसको इसके साथी के साथ रशियंस किडनैप कर लेते हैं और इसको टॉर्चर करते हैं कि इन्फॉर्मेशन बता दे उस कंपोनेंट के बारे में। लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक CIA एजेंट होता है, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता चाहे इसको अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। सो एक सुसाइड पिल खा के सुसाइड कर लेता है। बट जब इसकी आंख खुलती है तो ये मरा नहीं होता, एकदम सही होता है। और इसका बॉस इसके सामने होता है और इससे बोलता है कि वो सुसाइड पिल फेक थी, वो बस एक टेस्ट था कि तुम लॉयल हो हमारे लिए कि नहीं। और इसका बॉस इससे बोलता है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया, सो अब तुम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे जिसका नेम है टेनेट, जो कि इस मूवी का भी नेम है। बट ये बात प्रोटैगनिस्ट को नहीं पता ऑब्वियसली। इसके बॉस इसको वही सब फ्यूचर और वॉर के बारे में बताते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको सब बता चुका हूँ। और इसका बॉस उसी इन्वर्टेड वेपन के बारे में बात करता है जिसकी हल्की से झलक प्रोटैगनिस्ट ने ओपेरा प्लेस में देखी थी, मिस्टीरियस मैन वाली। सो अब प्रोटैगनिस्ट का पहला मिशन होता है उस इन्वर्टेड वेपन के बारे में पता करना कि वो कौन बना रहा है और वो कहां से आ रही है। सो ये एक साइंटिस्ट के पास जाता है, ये भी हैरी पॉटर वाली है। और इस साइंटिस्ट इसको सब बताती है उस इन्वर्टेड वेपन
वेपन्स के बारे में, लाइक ये वेपन्स फ्यूचर से आई हैं, कोई अनोनिमस पर्सन इनकी सप्लाई फ्यूचर से प्रेजेंट में कर रहा है इसलिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती हैं, और आप डिफरेंस नहीं बता सकते कि कौन सी बुलेट इन्वर्टेड है मतलब कौन सी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है और कौन सी बुलेट नॉर्मल है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। दोनों एकदम सेम दिखती हैं, बस जब ये यूज होती हैं तो उनका डिफरेंस क्लियर हो जाता है। इसी को इन्वर्जन बोलते हैं। अगर थोड़ी फिजिक्स याद हो, जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन नॉर्मल फॉर्म से हट के रिवर्स फॉर्म में जाने लगता है मींस इन्वर्ट हो जाता है तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। आई नो इट्स कंफ्यूजिंग बट यहाँ पे ये साइंटिस्ट बोलती है डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट जस्ट फील इट। तो यही मूवी का मोटो भी है, समझना है तो मजे लो खाली। देन उन बुलेट्स के मटेरियल से प्रोटैगनिस्ट पता कर लेता है कि इन इन्वर्टेड बुलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है और ये पहुंचता है मुंबई में। यहाँ एक बिल्डिंग में संजय सिंह रहता है। प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से संजय सिंह ही डीलर होता है इन्वर्टेड बुलेट्स का, सो उसकी बिल्डिंग में चुपके से ऊपर जाने के लिए इसको एक साथी बोले तो पार्टनर चाहिए होता है। तो यहाँ एंट्री होती है रॉबर्ट पैटिंसन की, मूवी में इसका नेम नील है। ये प्रोटैगनिस्ट का साइड के एक पार्टनर बनता है। मिस्टीरियसली इसको प्रोटैगनिस्ट की फेवरेट ड्रिंक भी पता होती है जबकि इससे पहली बार मिला होता है। खैर फिर ये दोनों बंजी जंपिंग करके बिल्डिंग में घुसते हैं और यहाँ प्रोटैगनिस्ट को 5 चीजें पता चलती हैं। फर्स्ट, संजय सिंह की वाइफ का रोल बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने किया है। सेकंड, डिंपल कपाड़िया जिसका मूवी में नाम प्रिया है यही मेन डीलर होती है ना कि इसका हस्बैंड। थर्ड, प्रिया ने ऑलरेडी सारी इन्वर्टेड बुलेट्स मूवी के मेन विलन रशियन आंद्रे सेटर को बेच दी होते हैं वह आंटी। एंड फोर्थ, प्रिया का कहना था कि वो इन्वर्टेड बुलेट्स नॉर्मल बुलेट्स थी जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती थी, सेटर को देने के बाद वो उन बुलेट्स को इन्वर्ट करता था। एंड फिफ्थ, प्रिया इस पूरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टेनेट के बारे में सब जानती थी, इवन प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा नॉलेज थी इसको इन सब चीजों के बारे में। प्रिया बताती है कि सैटर इस प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम के बीच एज अ ब्रोकर की तरह वर्क करता है, ऐसे ही वो वेपन्स को इन्वर्ट करता है। और यहाँ से प्रोटैगनिस्ट का सेकंड मिशन शुरू हो जाता है सैटर से मिलना, और ये एक आदमी सर माइकल से मिलता है, ये भी टेनेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे, और ये इसको सैटर से मिलने का एक तरीका बताते हैं कि उसकी वाइफ कैट अपने हस्बैंड सैटर के साथ ब्लैकमेल होके रहती है क्योंकि उसने एक फेमस फेक पेंटिंग अपने हस्बैंड को बेच दी थी धोखे से। इसी वजह से सर माइकल उसी फेक पेंटिंग की एक और फेक पेंटिंग प्रोटैगनिस्ट को देते हैं ताकि वो कैट के क्लोज आ सके, और ये प्लान वर्क भी कर जाता है। इवन कैट प्रोटैगनिस्ट को अपनी लाइफ स्टोरी भी सुना देती है कि इसका पति बहुत बड़ा वाला है और उसने इसको ब्लैकमेल करके अपने साथ रखा हुआ है वरना कभी भी उसे छोड़ देती। और कैट की कमजोरी इसका 10 साल का बेटा होता है, और सैटर ने वियतनाम में अपनी याट में कैट को एक ऑफर दिया था कि वो तुम्हें आजाद कर देगा बदले में अपने बेटे को भूल जाओ। इस बात से कैट को बहुत गुस्सा आया था, वो अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती, और याट से एक अननोन लेडी को जंप करते देख कैट उसकी फ्रीडम देख के जेलस फील करती है। ये सब बात बता देती है प्रोटैगनिस्ट को, पता नहीं क्यों। और प्रोटैगनिस्ट इससे बोलता है कि वो उस फेक पेंटिंग जहाँ भी है उसको ला के तुम्हें दे देगा, बस बदले में सैटर से मिलवा दो। लेकिन तभी वहाँ कैट के कुछ रशियंस गुंडे बॉडीगार्ड आ जाते हैं, और ये कैट 6 feet and 3 inches की है। इस लाइन को किसने ऐड किया भाई? खैर उन सभी गुंडों को प्रोटैगनिस्ट पेल पाल के बराबर कर देता है जिसको कैट देख के इम्प्रेस हो जाती है, और नेक्स्ट डे प्रोटैगनिस्ट से मिलती है और इसकी डील एक्सेप्ट कर लेती है कि सेटर से उस पेंटिंग को चुरा के मुझे दो और बदले में तुम्हारी सेटर से मीटिंग फिक्स। प्रॉब्लम ये होती है कि वो पेंटिंग फ्री पोर्ट में होती है, और ये फ्री पोर्ट क्या होता है, सो एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत अमीर लोग अपनी चीजें रखते हैं प्राइवेट चीजें, और उनपे टैक्स बहुत कम लगता है, एक्चुअली लगता ही नहीं है, इसीलिए एक तरीके से ये सामान इलीगल माना जाता है। और इसी एयरपोर्ट से प्रोटैगनिस्ट को कैट की फेक पेंटिंग चुरानी होती है, तो ये अगेन नील से हेल्प मांगता है, और अब ये दोनों अपनी कुछ लोगों की छोटी टीम बनाते हैं और एक प्लेन को जाके फ्री पोर्ट से क्रैश करवा देते हैं ताकि मौका दे के पेंटिंग चुरा सके। बट पेंटिंग तक पहुंचने से पहले दो मास्क लगाए हुए आदमी इन पे अटैक कर देते हैं जो कि इसी फ्री पोर्ट में एक मिस्टीरियस पोर्टल के अंदर से निकलते हैं, और प्रोटैगनिस्ट वाला बंदा इन्वर्ट होता है मतलब वेपन्स के साथ साथ इंसान भी इन्वर्ट हो सकते हैं, और प्रोटैगनिस्ट इसको जान से मारने ही वाला होता है बट नील आके इसको रोक लेता है और दोनों मिस्टीरियस मैन बच के भाग जाते हैं। और प्रोटैगनिस्ट और नील का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि इनको वहाँ कोई पेंटिंग तो मिली ही नहीं बल्कि एक पोर्टल मिला और उससे दो निकले सोल्जर मिले जिसमें से एक इन्वर्टेड था। सो प्रोटैगनिस्ट अगेन मुंबई आता है अपने सवालों के लिए, और प्रिया इसको सब एक्सप्लेन करती है। वो टाइम मशीन जैसा पोर्टल, उसको टर्न स्टाइल बोलते हैं, और इसको फ्यूचर वाले लोगों ने बनाया है और सेटर को दिया है, और उससे जो दो सोल्जर निकले थे वो दोनों एक ही पर्सन थे, सेम पर्सन, एक टाइम में फॉरवर्ड चल रहा था और एक टाइम में बैकवर्ड। ये मशीन ऐसे ही वर्क करती है। और मूवी के स्टार्ट में जो ओपेरा में अटैक हुआ था रशियंस द्वारा वो सेटर के ही लोग थे, और वो सब वही कंपोनेंट ढूंढ रहे थे प्लूटोनियम 241 जो कि सेटर को नहीं मिल पाया था। अब वो CIA के पास होता है, और कैट पहले खुश होती है कि उसकी फेक पेंटिंग उस एयरपोर्ट के ब्लास्ट में जल के राख हो गई। प्रोटैगनिस्ट ने इसको ऐसा बताया था, ऑब्वियसली इसने झूठ बोला था, और कैट प्रोटैगनिस्ट को सेटर से मिलवा देती है।
और फर्स्ट मीटिंग में ही सेटर प्रोटैगनिस्ट को जान से मारने वाला था, बट प्रोटैगनिस्ट उसके सामने ओपेरा प्लेस का नेम ले लेता है, तो सेटर उससे दोबारा मिलने की मीटिंग फिक्स कर लेता है। और सेटर कैट को वही फेक पेंटिंग दिखाता है जिसको प्रोटैगनिस्ट फ्री पोर्ट से चुराने गया था, मतलब इसको पहले ही पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है। और प्रोटैगनिस्ट सेकंड टाइम सेटर से मिलता है और ये सब बोटिंग के लिए जाते हैं, जिसमें कैट सेटर को जान से मारने का ट्राई करती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इसको बचा लेता है क्योंकि प्रिया ने इससे बोला था कि सेटर का जिंदा रहना जरूरी है, वरना हमें पता नहीं चल पाएगा कि कैसे फ्यूचर से कॉन्टेक्ट करता है ये। और सेटर की जान बचाने के बाद कैट प्रोटैगनिस्ट में ऑब्वियसली बहुत गुस्सा होती है, और ये 6 feet 3 inches की है। अगेन खैर, अब सेटर प्रोटैगनिस्ट के कर्ज में होता है क्योंकि इसने इसकी जान बचाई होती है। सो प्रोटैगनिस्ट इससे बदले में CIA से वही प्लूटोनियम 241 चुराने के लिए बोलता है, और सेटर राजी हो जाता है। और सेटर कैट से बोलता है बहुत गुस्से में कि अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो सकती। ये डायलॉग पक्का बॉलीवुड से चुराया होगा। और अब मैं सेटर की पूरी कुंडली आपको बता देता हूँ। ये बहुत सालों पहले एक सोवियत के न्यूक्लियर फैसिलिटी में वर्क करता था, और वहीं पर इसको फर्स्ट टाइम फ्यूचर वालों ने कॉन्टेक्ट किया था। इसको एक बॉक्स में अपने लिए फ्यूचर से एक मैसेज मिला था और गोल्ड बार्स मिले थे। सो फ्यूचर वाले लोग इससे अपना काम करवाते हैं, बदले में इसे गोल्ड में पेमेंट देते हैं, इसीलिए इतना अमीर भी होता है। और एक और चीज बता दूं कि एक मशीन जिसको मूवी में एल्गोरिथम बोला गया है, इसको फ्यूचर में किसी फीमेल साइंटिस्ट ने बनाया होता है, बट इसको जब पता चलता है कि उस एल्गोरिथम में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया तबाह कर सकती है, पूरे फ्यूचर को पास्ट में चेंज कर सकती है, तो वो उस एल्गोरिथम के 9 हिस्से करके पास्ट में जाके 9 अलग अलग जगह छुपा देती है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। और फिर वो साइंटिस्ट अपने आप को मार देती है ताकि वो एल्गोरिथम को बनाने का तरीका भी उसके साथ मर जाए। तो सेटर ने मूवी की स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही उस एल्गोरिथम के 8 parts कलेक्ट कर लिए थे। और गेस कि एल्गोरिथम का 9th part यानी लास्ट पार्ट कहाँ है? जी हाँ, इसका 9th part वही प्लूटोनियम 241 है जिसको लेके मूवी स्टार्ट हुई थी। और अगर आपको याद होगा उस एल्गोरिथम से कितनी तबाही हो सकती है कि पूरा पास्ट रिवर्स हो सकता है, एक तरीके से डिस्ट्रॉय बोल सकते हो। और यही मेन मिशन होता है जो फ्यूचर वाले लोग सेटर से करवाना चाह रहे थे। और सेटर के साथ ये होता है कि इसको कैंसर होता है, सो ये जल्द ही मरने वाला होता है। तो इसने डिसाइड कर लिया होता है कि जब ये मरेगा तब ये उस एल्गोरिथम का यूज करेगा और अपने साथ पूरी दुनिया को ले जाएगा। मतलब अब वो डायलॉग का मतलब समझ आया जो इसने अपनी वाइफ से बोला था, इफ आई कांट हैव यू देन नो वन, मतलब खुद भी तो डूबेगा साथ में अपनी बीवी और पूरी दुनिया को भी ले डूबेगा। ये मेन प्लान होता है सेटर का। सो मूवी में वापस आते हैं तो प्रोटैगनिस्ट और नील मिलके बड़ी मुश्किल के बाद वो प्लूटोनियम 241 चुरा लेते हैं। और यहाँ से असली दिमाग का दही शुरू होता है जब एक उल्टी कार इनके बगल में आ जाती है और उसके अंदर सेटर और उसके गुंडे रशियंस होते हैं, और ये सब ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए होते हैं, और इन लोगों ने कैट को कैप्चर करके रखा होता है। और सेटर कैट की जान के बदले प्रोटैगनिस्ट से वो एल्गोरिथम के लास्ट पीस मांगता है। इस टाइम प्रोटैगनिस्ट को कोई आइडिया नहीं है कि ये प्लूटोनियम 241 क्या है, बट ये वो बॉक्स सेटर को दे देता है और वो लोग कैट को अकेला छोड़ के भाग जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट कैट को बचा लेता है। बट फिर अगेन रशियंस प्रोटैगनिस्ट और कैट को उठा के अपने साथ वेयर हाउस में ले आते हैं और आमने सामने रख देते हैं। अब मैं इस पूरी हाइस्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। सी, हाइस्ट के शुरू होने से पहले सेटर कैट के साथ उस वेयर हाउस में आया था, और वेयर हाउस के बाहर एक कार में एक ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ आदमी बैठा था। सो मूवी में जो भी बंदा ऑक्सीजन मास्क लगा के दिखता है, इसका मतलब कि वो इन्वर्टेड है, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन के इन्वर्ट फॉर्म को अंदर नहीं ले सकते, मतलब CO2, इसको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए। और सेटर फिर एक रेड लाइट एरिया, मतलब रेड लाइट जैसी जगह जाता है और अपने लोगों से बोलता है कि आगे जो भी हो इससे बताना, क्योंकि ये टेम्पोरल पिंसर की तैयारी कर रहा होता है। सो टेम्पोरल पिंसर क्या होता है? एक मिलिट्री टैक्टिक्स होती है जिसको पिंसर मूवमेंट बोलते हैं। इसमें एनिमी पे दोनों साइड से अटैक किया जाता है सेम टाइम पे। सिमिलरली टेम्पोरल पिंसर में भी यही होता है, सेम टाइम पे एनिमी पे अटैक किया जाता है, बट फर्स्ट टीम टाइम के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और देन अटैक खत्म होने के बाद सारी चीजें सेकंड टीम को बता देती है, एंड देन सेकंड टीम टाइम के अपोजिट मतलब रिवर्स में और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके अटैक करती है। पर इनको ऑलरेडी पता होता है कि क्या हुआ क्योंकि फर्स्ट टीम इनको सब बता चुकी होती है। सो सेम यही प्लान होता है सेटर का उस हाइस्ट से पहले कि फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सेकंड टाइम में बैकवर्ड डायरेक्शन में ये सब ठीक कर देगा। और अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो ट्रिकी पार्ट इसका यही है कि वो बाहर कार में ऑलरेडी एक बंदा मास्क लगा के बैठा था, इसका मतलब वो इन्वर्टेड था। और ये जो पूरी हाइस्ट मूवी में फर्स्ट टाइम दिखाई गई, ये ऑलरेडी एक बार हो चुकी है। मतलब 2 attempts होते हैं टेम्पोरल पिंसर के, जिसमें फर्स्ट टाइम जब ये हाइस्ट हुई थी सो वो पार्ट मूवी में नहीं दिखाया गया, और सेकंड टाइम जिसमें सेकंड टीम बैकवर्ड डायरेक्शन में अटैक करती है वो पार्ट इसमें दिखाया गया। इसी वजह से सेटर और उसकी टीम मास्क पहने हुए थे क्योंकि ये सब इन्वर्टेड थे, ये इनका सेकंड टाइम था। और प्रोटैगनिस्ट ने यहाँ गेम खेल दिया होता है, उसने सिर्फ खाली डब्बा ही सेटर को दिया होता है, वो प्लूटोनियम 241
दौरान इसने कहां रखा था ये किसी को नहीं पता था। और इसी बात से सैटर गुस्सा होके कैट को इन्वर्टेड गन से शूट कर देता है। और हमें स्टार्ट में बताया गया था कि इन्वर्टेड बुलेट काफी प्रॉब्लम दे सकती है अन इन्वर्टेड पर्सन के लिए। और सैटर प्रोटैगनिस्ट को मारने वाला था, बट नील प्रिया की ट्रीम के साथ आके इसे बचा लेता है। और प्रोटैगनिस्ट पहले नील पे ही गुस्सा होता है कि आखिर सैटर को कैसे पता चला उस खाली बॉक्स के बारे में। बट इसमें नील की कोई गलती नहीं थी, इवान एक पर्सन होता है इन्हीं की टीम में। वो इसे समझाता है कि उसने टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से सैटर को सब पहले ही पता चल गया था। और कैट की हालत खराब हो रही थी उस इन्वर्टेड बुलेट के घाव की वजह से। तो प्रोटैगनिस्ट वहां अपना फिर दिमाग चलाता है और कैट को लेके टर्नस्टाइल का यूज करके इन्वर्टेड वर्ल्ड में जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो इन्वर्टेड बुलेट से घायल हुई थी। सो इन्वर्टेड वर्ल्ड में उसको ले जाने से वो चोट नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वहां कैट भी इन्वर्टेड और उसकी चोट भी इन्वर्टेड। सो मतलब ये नॉर्मल बुलेट का घाव बन जाएगा, इजी पीजी। और अब प्रोटैगनिस्ट अब पास्ट वर्ल्ड में होता है और ये दुनिया रिवर्स की दुनिया होती है, मतलब यहां सब कुछ बैकवर्ड चल रहा होता है, बोले तो टाइम उल्टा भाग रहा होता है। और इसीलिए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पास्ट में ये जा रहा है तो अगेन उस हाइस्ट में जाके प्लूटोनियम 241 को उठा ले। बट चैटर को जब पता चलता है कि इसके साथ गेम खेल दिया गया इसको खाली डब्बा पकड़ा के, तो ये और दिमाग लगाता है। और अगेन ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये फिर सेकंड टेम्पोरल पिंसर करने का ट्राई करता है। कैसे? सी सैटर को पता था कि प्रोटैगनिस्ट टर्नस्टाइल का यूज करके पास्ट में आएगा और ट्राई करेगा प्लूटोनियम 241 को वापस लेने का। और प्रोटैगनिस्ट ऐसा ही करता है, वो रिवर्स में पूरा जाता है और इसकी कार वही बीच की कार थी जब सैटर और पास्ट वाले प्रोटैगनिस्ट ने बॉक्स एक्सचेंज किया था। और पास्ट वाले प्रोटैगनिस्ट ने वो प्लूटोनियम 241 को इसी फ्यूचर वाले प्रोटैगनिस्ट की कार में डाल दिया था। और जैसा मैंने बताया था, सैटर इसी चीज का वेट कर रहा था टेम्पोरल पिंसर का यूज करके। उसको बस मौका चाहिए था प्रोटैगनिस्ट से वो प्लूटोनियम छीनने का, और प्रोटैगनिस्ट ने वो खुद दे दिया उसको। सो प्रोटैगनिस्ट की कार में आग लगा देता है और कंपोनेंट लेके चला जाता है। बट ये रिवर्स में जा रही प्लेस होती है, सो फायर भी रिवर्स में होती है। जलने की बजाय प्रोटैगनिस्ट को सिर्फ हाइपोथर्मिया होता है और ये किसी एक कंटेनर जैसी जगह में उठता है जो कि एयर लॉक्ड होती है। तभी ये लोग बिना ऑक्सीजन मास्क के यहाँ सांस ले पा रहे होते हैं, जबकि ये इन्वर्टेड होते हैं। और कैट भी धीरे धीरे हील हो रही होती है। और इनका मिशन यहाँ से ये होता है कि याद होगा आपको कि ये लोग टर्न स्टाइल का यूज करके इन्वर्टेड हो गए थे, सो वापस इनको नॉर्मल बनने के लिए अपने आप को रिन्वर्ट करना पड़ेगा दोबारा टर्न स्टाइल का यूज करके। और ये लोग टाइम में पीछे जा रहे होते हैं, सो ये वेट करते हैं वो दिन आने का जब इन लोगों ने सैटर के फ्री पोर्ट में धमाका कर दिया था, क्योंकि इस फ्री पोर्ट में भी एक टर्न स्टाइल मशीन थी जिससे एक अननोन पर्सन निकल के आया था। और इन लोगों को उस मशीन का यूज करके अपने आप को रीइन्वर्ट करना है, सो ये वहां जाने के लिए रेडी होते हैं। और आई गेस आप सब समझ गए होंगे कि यहां क्या होने वाला है। जी हां, ये इन्वर्टेड लोग फ्यूचर से आए होते हैं, बट पास्ट वाले भी यही होते हैं। सो अगेन हमको वही सेम फाइट देखने को मिलती है, बट फ्यूचर वाले प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अपने पास्ट वाले वर्जन को शूट नहीं कर रहा था, ये अपनी गोलियां खाली कर रहा था, जो मूवी के फर्स्ट वाले सीन में लग रहा था कि वो उसको शूट कर रहा है। और यहाँ एक राज खुलता है कि फर्स्ट टाइम जब ये फाइट हुई थी तब नील ने टर्न स्टाइल से निकले वाले प्रोटैगनिस्ट का फेस देख लिया था, बट इसने अपने टाइम वाले प्रोटैगनिस्ट से ये बात छुपा ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो और कंफ्यूज हो जाता इसलिए। और देन इन्वर्टेड नील और कैट ये दोनों भी मशीन का यूज करके रीइन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल हो जाते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगते हैं। एंड इन सब के बाद प्रोटैगनिस्ट अगेन प्रिया से मिलने जाता है, और इस बार प्रिया इसको सब बता देती है वो एल्गोरिथम और 9 पीसेस के बारे में। सो अब नील और प्रोटैगनिस्ट इन सबको सब समझ आ जाता है कि आखिर कैसे फ्यूचर पास्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ऑब्वियसली उस एल्गोरिथम का यूज करके जिसके सारे 9 पीसेस सैटर के पास हैं अब। और इसका मास्टर प्लान ये है कि ये अपनी जिंदगी का आखिरी पल हंसी खुशी बिताना चाहता है, सो ये अपना लास्ट मोमेंट वही वियतनाम वाली राइड में बिताएगा। और बात आई एल्गोरिथम की, तो सैटर्न उसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में दफना रहा है जहां से फ्यूचर ने फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट किया था, और उसके साथ एक बॉम्ब फिट कर रहा है, और इसके हैंड में एक फिटबिट होगी जो कि इसकी हेल्थ देखेगी। और जैसे ही ये मरेगा तुरंत उस साइड फिटबिट के सेंसर से वो एल्गोरिथम एक्टिवेट हो जाएगी और बॉम्ब फट जाएगा, और देन बूम दुनिया खत्म हो जाएगी। सो नील, प्रोटैगनिस्ट एंड कैट ये तीनों बैठ के अपना प्लान बनाते हैं सैटर के प्लान को बीट करने के लिए। और ये सब अगेन टाइम में पीछे आने लगते हैं टर्न स्टाइल का यूज करके, और बाकी सोल्जर्स के साथ ये मिलते हैं और डिसाइड करते हैं टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट अटैक करने का। हियर वी गो अगेन। दो टीम्स होंगी, रेड एंड ब्लू टीम। रेड टीम टाइम में फॉरवर्ड जाएगी एंड ब्लू टीम टाइम में बैकवर्ड जाएगी, और दोनों टीम सेम टाइम पे रशियंस पे अटैक करेंगी, जैसा मैं आपको सब समझा ही चुका हूँ स्पिंसर मूवमेंट के बारे में। और इनके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे और मेन टारगेट होगा एल्गोरिथम। देन मिशन से पहले प्रोटैगनिस्ट कैट से अकेला मिलता है और कैट को एक सेलफोन देता है और बोलता है कि फ्यूचर में तुम्हें कभी भी अनसेफ फील हो तो बस इसमें एक वॉइस मैसेज छोड़ देना। और कैट 6 फीट 3 इंचेस की खैर अटैक स्टार्ट होता है, और ब्लू टीम में नील होता है और रेड टीम में प्रोटैगनिस्ट एंड इवान। और हाँ, ये दिन वही है, टाइम भी वही है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। इस टाइम ओपेरा में रशियन अटैक होने वाला है। इस मूवी का नेम टेनेट है जो कि एक पैलिंड्रोम है, और सेम ये मूवी भी एक पैलिंड्रोम है
जिस दिन पे मूवी स्टार्ट हुई थी उसी दिन पे मूवी का लास्ट मिशन भी चल रहा है और ये बैटल सीन बहुत एपिक होता है, इंसेप्शन की याद दिला देता है, बहुत गन फाइट्स होती है, एकदम खतरनाक सीन होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, आधे सीधे चल रहे थे आधे पीछे भाग रहे थे। बट गुड न्यूज ये है कि ज्यादातर चीजें यहाँ समझना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बस इतना समझना है कि प्रोटैगनिस्ट और इवान को एक टनल के अंदर जाना है और वहां से एल्गोरिथम को चुरा के उसे बॉम्ब से अलग करना है और अपने साथ ले आना है, सिंपल। और इस साइड कैट, ये फ्यूचर वाली कैट होती है, बस टर्न स्टाइल का यूज करके ये वापस अनइन्वर्टेड हो गई होती है और इसका काम होता है अपने हस्बैंड जिसको ये जान से मारना चाहती है उसको जिंदा रखना होता है, उसको अपने आप को मारने से रोकना होता है, वरना इसके हाथ में जो फिटबिट लगी है उसका सिग्नल पहुंच जाएगा उस बॉम्ब में और सब खत्म हो जाएगा। और इस साइड कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लाइक प्रोटैगनिस्ट और इवान जब उस टनल के अंदर जाते हैं तो वो टनल फिर कोलैप्स हो जाता है, मतलब अब वो बाहर नहीं आ सकते, और अंदर बॉम्ब होता है एल्गोरिथम के साथ, तो अगर ये बाहर नहीं आएंगे तो बॉम्ब के साथ ये भी उड़ जाएंगे। और ये चीज इन्वर्टर नील देख लेता है जो कि ब्लू टीम में था, लेकिन फिर ये यहां अपने आप को अनइन्वर्ट करता है टर्न स्टाइल का यूज करके और प्रोटैगनिस्ट और इवान को रोकने का ट्राई करता है कि वो उस टनल के अंदर ना जाएं, बट वो चले जाते हैं और अंदर जाके प्रोटैगनिस्ट और इवान एक तरीके से सेटर के जाल में फंस जाते हैं। सेटर ही इन सब टाइम ट्रैवलिंग का बादशाह होता है, इसको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होता, इसको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए प्रोटैगनिस्ट को अपने जाल में फंसा लेता है। और प्रोटैगनिस्ट के सामने एक लॉक डोर होता है जिसकी वजह से ये एल्गोरिथम तक नहीं पहुंच पा रहा होता, लेकिन वहां जमीन में डोर के अदर साइड में एक डेड बॉडी पड़ी होती है और इसके बैग में वही रेड स्ट्रिंग लगी होती है, मतलब ये मूवी के स्टार्ट वाला मिस्टीरियस मैन है। और जब सेटर का बंदा प्रोटैगनिस्ट को शूट करने वाला होता है तो अचानक से वही मिस्टीरियस मैन की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट को शूट होने से पहले बचा लेती है। और ये बंदा भी इन्वर्टेड होता है, मतलब ये फ्यूचर से पास्ट में घूम रहा होता है और यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में भाग जाता है। और प्रोटैगनिस्ट सेटर के बंदे से फाइट करने लगता है और एल्गोरिथम को अलग करने का ट्राई करने लगता है। और इस साइड कैट अब और नाटक नहीं कर पा रही होती, ये सेटर को बताती है कि ये फ्यूचर वाली कैट है और अपने हस्बैंड को शूट करके उसकी बॉडी को बाहर पानी में फेंक देती है, जबकि इसको प्रोटैगनिस्ट के सिग्नल का वेट करना था और सेटर के हाथ में फिटबिट थी और जैसे ही पूरी तरह वो मर गया फिटबिट का सिग्नल एल्गोरिथम से लगे बॉम्ब में आ जाता है। बट तब तक प्रोटैगनिस्ट ने वो एल्गोरिथम को बॉम्ब से अलग कर दिया होता है, लेकिन वो दोनों वहां फंस गए होते हैं बॉम्ब के साथ। बट लकीली नील इन्हीं की टीम में आ गया होता है, रेड टीम में, सो वो ऊपर से इनको एक रोप फेंकता है और बॉम्ब फटने से कुछ सेकंड पहले ही इनको वापस ऊपर घसीट लेता है और प्रोटैगनिस्ट और इवान दोनों ही सही सलामत बाहर आ जाते हैं और दुनिया खत्म होने से बच जाती है। और इस साइड कैट की आर्ट में पुरानी वाली मतलब पास्ट वाली कैट भी आ जाती है और आपको याद होगा अगर मूवी के स्टार्ट में कैट ने प्रोटैगनिस्ट को बताया था कि इसने एक लेडी को यार्ड से जंप करते देखा था तो ये वही खुद ही थी, मतलब इसका फ्यूचर वाला वर्जन। और कैट भी यहाँ से सही सलामत निकल जाती है और अब उस एल्गोरिथम का क्या करना है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। सो इवान इस एल्गोरिथम के तीन हिस्से करता है और ये तीनों एक एक हिस्सा ले लेते हैं। और इवान का प्लान था कि तीनों अलग अलग जाके इन तीन हिस्सों को किसी जगह छुपा देंगे और रख देंगे और फिर अपने आप को जान से मार देंगे ताकि इनकी लोकेशन किसी को पता ना चल पाए। बट नील के हिसाब से अपने आप को जान से मारना जरूरी नहीं है, बस इस एल्गोरिथम को छुपा के रखना होगा। और नील अपनी एल्गोरिथम का हिस्सा प्रोटैगनिस्ट को दे देता है और अपने राज खोलता है कि वो पूरी मूवी का रेड स्ट्रिंग वाला मिस्टीरियस मैन कोई और नहीं नील ही था, यही एक्चुअली में बार बार प्रोटैगनिस्ट की जान बचा रहा था। और अब अगेन टाइम में पीछे जाके ये उसी टनल में जाएगा जहां ये प्रोटैगनिस्ट की जान बचा के एक डोर खोलेगा और दुनिया बचाएगा, और हाँ इसका मतलब फिर ये मर जाएगा। सो मूवी में इस पॉइंट में नील के तीन वर्जन घूम रहे होते हैं। अगर आप कायदे से ध्यान दो तो फर्स्ट जिसने अभी प्रोटैगनिस्ट की जान बचाई इसको कार से ऊपर घसीट के, सेकंड जो डेड बॉडी था वो वहां से भाग गया था, सो वो सेकंड वर्जन है नील का, एंड थर्ड मैंने बताया था ये वही टाइम है जहां अदर साइड में ओपेरा में रशियन अटैक चल रहा है और वहां पर भी नील दिखाया था मूवी के स्टार्ट में, सो वो थर्ड वर्जन है नील का इस टाइम पे। सो मैंने बोला था टेनेट के हिसाब से पास्ट को जितना चेंज करो फ्यूचर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि पास्ट में जो हुआ सो हुआ। और यहाँ एक और दिमाग खराब करने वाली चीज आई है कि ये पूरी मूवी स्टार्ट से एंड तक एक टेम्परल पिंसर मूवमेंट है और जैसा मैंने बताया था कि इसमें दो बार वर्किंग होती है, सो अभी आपने जो पूरी मूवी देखी ये फर्स्ट पार्ट हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में अगेन सेकंड पार्ट इसका होगा जो कि ऑब्वियसली मूवी में नहीं दिखाया गया क्योंकि फिर ये काफी बोरिंग हो जाता, मतलब अब सेम चीज प्रोटैगनिस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा इसीलिए इसको क्लोज लूप भी बोला गया है। और टेनेट ऑर्गेनाइजेशन किसने डेवलप करी तो अगर आप अब तक नहीं समझे तो ये प्रोटैगनिस्ट ने ही डेवलप करी है, इसी ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और जितने भी लोग हैं टेनेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको इसी ने ही रिक्रूट किया है
इवन अपने आप को भी, मतलब अपने पास्ट वाले सेल्फ को भी इसी ने रिक्रूट किया है। बहुत कंफ्यूजिंग भाई साहब, लेकिन भूलना मत ब्रो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट फील इट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मूवी का ये भी है, जो कि सही है गलत ये सिर्फ डायरेक्टर को पता है। लोगों का कहना है कि नील मूवी के एंड में जो मर जाता है वो एक्चुअली में नील कैट का बेटा होता है, जिसको मूवी में 10 साल का लड़का दिखाया गया है। सो हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि प्रोटैगनिस्ट अब जाके कैट के बेटे को टेनेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट करेगा और ट्रेन करेगा। इसीलिए वो लास्ट में नील प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि तुम ही ने मुझे रिक्रूट किया था और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। और नील ने भी मूवी में काफी स्ट्रेंज बातें करी हैं। सो ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है और शायद नहीं भी, बट मुझे पर्सनली ये थ्योरी पसंद आई। और मूवी के लास्ट में प्रोटैगनिस्ट ने कैट को जो फोन दिया था कि तुमको कभी भी अनसेफ फील हो तो वॉइस रिकॉर्ड करके इस फोन में भेज देना, सो कैट वैसा ही करती है एक कार को देख के। और कार के अंदर प्रिया होती है जो कि कैट को मारने आई थी, बट प्रोटैगनिस्ट फ्यूचर वाला वर्जन होता है, इसको कैट की ऑडियो पहले ही मिल गई थी। सो ये इन्हीं की कार में बैठा होता है और प्रिया को